Subscribe and press the bell icon for latest update. हिंदुस्तान ने अपने सैनिकों की शहादत का बदला पड़ोसी मुल्क से ले लिया और घुसकर चौकियों को तबाह कर दिया। इसी मामले पर एक हिंदी न्यूज चैनल ने डिबेट शो रखा, जिसमें पड़ोसी मुल्क के रक्षा विशेषज्ञ तारिक पीरजादा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी मौजूद थे। इसी मुद्दे पर बात करते हुए तारिक पीरजादा ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर अपशब्द बोल दिए। उन्होंने कहा, बेंगलुरु में NSA के साथ मीटिंग हो रही थी, तब अजीत डोभाल उनसे भीख मांग रहे थे कि कृपया आप लोग सीमा पर थोड़ा दबाव दीजिए। इसी बात पर एंकर अमीश देवगन ने भड़कते हुए कहा, मुझे तो भीख की वो बात भी याद है जब कारगिल वार के वक्त आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका से जाकर भीख मांग रहे थे। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मोर्चा संभाला और पीरजादा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी तो आपका मुल्क है, पहले आपने अमेरिका की तरफ कटोरा फैलाया, अब चीन की तरफ घुमा दिया है। वो आगे कहते हैं, तुम अजीत डोभाल की बात कर रहे हो, उनका तो नाम सुनते ही आपके देश की पैंट गीली हो जाती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।